आई अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। 11th क्लास है ना, आपका जो टॉपिक था रेडॉक्स अभिक्रिया था, रेडॉक्स अभिक्रिया प्राचीन अवधारणा पढ़ी, पढ़ना हमको नवीन अवधारणा, नवीन अवधारणा की बात की जाएगी। तो ये देखिए, अभी तक हम प्राचीन अवधारणा जो पढ़ रहे थे, तो प्राचीन अवधारणा बेटा, प्राचीन अवधारणा उस पर धनात्मक या ऋणात्मक तत्वों पर थी, धनात्मक या फिर ऋणात्मक या फिर धनात्मक तत्वों पर थी, है ना। नवीन अवधारणा की बात करेंगे तो ये किस पर आधारित होती है, इलेक्ट्रॉनों पर आधारित, इलेक्ट्रॉनों पर आधारित होती है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, ध्यान दीजिए, अगर किसी तत्व में, प्राचीन अवधारणा कहती है कि अगर किसी तत्व में कोई ऋणात्मक तत्व जोड़ा जाता है, कोई ऋणात्मक तत्व जोड़ा जाता है तो उसका क्या हो जाता है, आपसी तत्व। ये है क्या, प्राचीन अवधारणा। नवीन अवधारणा की अगर बात करें तो हमको ऋणात्मक ही बनाना है। ऋणात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, यदि कोई तत्व परमाणु अणु आयन इत्यादि दिखाई नहीं दे रहा होगा, मानकर सही समझ बेटा, तत्व परमाणु अणु आयन इत्यादि जब यदि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर त्यागेंगे तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, धनावेशित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, धनावेशित हो जाते हैं। और जैसे ही धनावेशित होते हैं तो इनका क्या हो जाता है, इनका हो जाता है अपचयन होता है, ठीक है। अब दूसरी शर्त, पहली शर्त क्या थी कि इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन त्याग किया। दूसरी शर्त है इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, ग्रहण करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही ग्रहण कर लेंगे तो ये सबके सब क्या हो जाएंगे, ऋणावेशित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऋणावेशित हो जाते हैं। और ऋणावेशित होते हैं या ऋणावेशित हो जाते हैं, जैसे ही आप कहेंगे तो इनका क्या हो जाएगा, इनका हो जाता है आपसी करण। ठीक है, एक हो गया अपचयन और एक क्या हो गया, आपसीकरण। परिभाषा क्या लिखेंगे, यदि कोई तत्व अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर, यदि कोई तत्व अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित हो जाता है तो उसका अपचयन होता है। उसका क्या होता है, अपचयन होता है। और यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसका क्या हो जाता है, आपसीकरण। ये कौन सी अवधारणा है, ये है नवीन अवधारणा। कौन सी अवधारणा है, नई अवधारणा है। पर पुरानी अवधारणा के आधार पर ये था कि अगर किसी तत्व में ऋणावेशित परमाणु जुड़ जाएगा तो वही ऋणावेशित हो जाएगा, तो उसका क्या होता है, अपचयन। अब देखिए कैसे प्राचीन अवधारणा और नवीन अवधारणा बनी हुई है, ये नोट कर लीजिए जल्दी से, पॉज करके वीडियो को और फिर आगे चलते हैं। बहुत छोटी सी क्रिया है, देख लीजिए, जैसे अभी हमने पढ़ा था Na+O2 gives Na
O, बनने टू O, तो इसमें ऑक्सीजन, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, दो की, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, त्यागेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा एक माइनस, ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो एक ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा O डबल माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, तो इस स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है ग्रहण कर रहा है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा ऑक्सीजन को ना सिर्फ प्लस के रूप में लिखा जाए तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सोडियम का क्या हो गया आपका अपचयन हो गया, क्या हो गया अपचयन हो गया, एक मिनट ऑक्सीकरण होता है, ये सोडियम को क्या हो गया ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। और अगर O की बात की जाए O जैसे ही निगेटिव हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा अपचयन, रेडॉक्स, रेडॉक्स वो होती है जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो बेटा आप बताइए कमेंट में करके कि समझ में क्या नहीं आया है, आपको आगे बताया जाएगा, बाकी आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, डिटेल में इसके पढ़ाया जाएगा, ठीक है।